एक और कॉलर है, रेशमा जी ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। रेशमा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, जी रेशमा जी, सवाल पूछिए। मेरा नाम रमेशना है जी, रेशमानी जी। रमेशना जी मेघना, बताइए। हाँ जी, मेरे ना पेट की समस्या है, पेट में गैस होती है, फुल्ला फुल्ला सा पेट रहता है, लैट्रिन साफ नहीं आती हुई है, कब्जी वाली जी। कितने दिन से समस्या है मेघना, और कितनी उम्र है आपकी? 55 साल है जी। ठीक है। अच्छा देखिए मैगना, आप समझ लें कि बहुत दिन से आपको परेशानी है और दवा खा ली, ठीक हो गए, फिर वही हो गया। लेकिन यूनानी एक ऐसा तरीका है इलाज का जिससे आपका रोग मुक्त हो जाते हैं आप। तो समझ लें इसका क्या है कि मेथी खरीदें, मेथी का दाना आपके किचन में होता है, लेकिन ये आधा किलो ले लें, यानी 500 ग्राम, और इसमें रसायन आता है एक, जो जैतून का रसायन कहते हैं इसको, रसायन जैतून कहते हैं, और नमक जैतून भी कहते हैं, और एस्टेक जैतून भी कहते हैं। अपनी अपनी ज़बानों में जाने कितने नाम हैं, लेकिन आसान ज़बान में हम नमक जैतून कहते हैं, जो देखने में नमक जैसा है और स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये 100 ग्राम 500 ग्राम अलसी में, 500 ग्राम मेथी में मिलाकर पाउडर बना लें, और आधे से एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं। आप देखेंगे पहले ही दिन से फ़ायदा आपको लगेगा, और अगले ही हफ्ते आप समझेंगे बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन ये पूरा मटेरियल जो 600 ग्राम मैंने आपको बताया, ये ख़त्म कर लीजिए ताकि आपको दोबारा ये परेशानी ना हो सके। पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जो मैडम नमस्कार आदाब साहब, मुझे थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, दो डेढ़ बजे तक, तीन तीन बजे तक नींद नहीं आती है सर जी। क्या उम्र है? मेरी उम्र 63 रनिंग है। ठीक है, देखिए एक आप जानते हैं कि एलोवेरा भारत का बहुत मशहूर एक दवा है, एलोवेरा। एलोवेरा का लोग जूस भी जानते हैं, एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल है, लेकिन सबसे अच्छा काम करता है एलोवेरा का सिरका। सिरका आप समझते होंगे कि सिरका एक लिक्विड होता है जो पानी की तरह स्वाद में खट्टा। आप 3 चम्मच रात को सोते वक्त एलोवेरा का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, और आपको उसी दिन से फ़ायदा शुरू होगा, और लगातार पिएंगे तो आपकी ये समस्या हल हो सकती है। और इस वक्त पंजाब से कॉलर हैं जसप्रीत जी, हमें कॉल कर रही हैं। जसप्रीत जी प्रश्न पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, श्रद्धा में बेटा है, कितने साल का? क्या कह रहे हैं? 40 साल का है बेटा। हाँ जी, हेलो। और थोड़ी सी बार डिप्रेशन चल जाता है जी, डिप्रेशन चल जाता है। उम्र कितनी है उनकी? हाँ जी, एज कितनी है? 45 साल है जी। अभी 45 साल के बेटे हैं इनके, और डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ देखिए, ये रोग तो बढ़ रहा है काफ़ी, लेकिन इसका इलाज भी बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने हाथ से दवा बना के उन्हें खिलाएं तो इसका इलाज मुमकिन है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम छोटी हड़, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम छोटी हड़, और 100 ग्राम आंवला, ये सूखा हुआ मिलता है सब, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, इसमें 30 ग्राम छोटी इलायची, हरी वाली इलायची होती है, इसका बीज निकाल लें, इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला असली नहीं होता, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं, और एक एक चम्मच सुबह शाम पानी से खिलाना बेहतर है। ये नुस्खा उनको खिला देंगे आप तो इसके ख़त्म होने से पहले बच्चे का डिप्रेशन ख़त्म होना मुमकिन है।
और इस वक्त एक और कॉलर हैं, शिखा जी ने हमें इंदौर से कॉल किया है, आइए जानते हैं उनकी समस्या। शिखा जी सवाल कीजिए। मुझे 10 दिन से खांसी बहुत आ रही है। 10 दिन से? हाँ। ठीक है शिखा। उम्र कितनी है शिखा आपकी? 15 साल। 15 उम्र है, 10 दिन से खांसी आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके किचन में, आपको तो पता नहीं होगा, मम्मी से पूछिए या जो भी आपके यहाँ सबसे बुढ़ा आदमी हो मेरे जैसा उससे पूछिए कि पीपलें क्या होती हैं। पीपलें गरम मसालों में इतनी 1-1.5 इंच की बड़ी खूबसूरत सी काली काली पीपलें कहलाती हैं। ये आधी दांत से तोड़कर और मुंह में रखें, चूसते रहें, चबाते रहें और फिर इसके बाद एक गिलास गर्म पानी पी लें। रोज़ ऐसा करें तो 10 दिन से है और 10 दिन तक आप लें, 10 दिन में आपकी खांसी का ठीक होना मुमकिन है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, मैं लज्जा देवी दिल्ली से बोल रही हूं। जी डी आई शाहदरा से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछिए। मैं बीमार रहनी है, हकीम साहब पे देसी नुस्खा कोई पूछ ली है पे जिन करे नुस्खा। उम्र बताइए। ठीक हो जमा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 80 साल। 80 साल है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई नुस्खा बता दीजिए इनके लिए। अच्छा, क्या परेशानी क्या है आपको? कमजोरी रहती है? नो, बस बड़ी आलस जी, जितना बड़ी घबराहट जी, घबराहट हो जाती है, वीकनेस है काफी। अच्छा। वीक है क्योंकि उम्र भी है तो थोड़ी वीकनेस रहती है, क्या करें। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, ऐसे बुजुर्ग जो सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं आखिरी सांस तक, तो गाजर का जूस एक गिलास लिया करें और उसमें एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला लें, लाल वाला नकली होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद को रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बना लें और 2 चुटकी उसमें मिला के गाजर के जूस में रोज़ पी लिया करें। आप ऐसे तवानाई ताकत आती है जिस्म में और आँखों के लिए भी मुफीद है, फ़ायदेमंद है, रगों के लिए भी, जोड़ों के लिए भी, बालों के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी और ग्रोथ के लिए, बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। आप रोज़ एक बार पी लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और इस वक्त एक और कॉलर हैं, पंकज जी हमें कॉल कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। पंकज जी अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी मम्मी को शुगर है जी। हाँ, उनका शुगर के लिए पूछना था। उम्र कितनी है आपकी मदर की? 59 ईयर्स की है और शुगर है इनकी मॉम को। तो देखिए, अभी तक शुगर ऐसा रोग है कि दवा खाते रहो और जीते रहो, लेकिन एक दवा ऐसी है जो दवा हम खाते हैं उसके नुकसानात को भी रोक लेती है, शुगर को भी स्थिर रखती है, कंट्रोल रखती है। तो देखिए, होता क्या है कि डॉक्टर ने जब आपकी जांच कराई तो पता चला शुगर है, वो एक गोली लिख देते हैं और वो खाते रहिए, जीते रहिए। फिर पता चला वो शुगर फिर भी बढ़ने लगी कुछ दिन बाद, तो वो और उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है, फिर वो खाते हैं और फिर पोटेंसी बढ़ा देता है, तो फिर आगे जाके सीधा इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा तेज़ होती है, वो बर्दाश्त नहीं हो पाती तो इंजेक्शन लेना पड़ता है। एक दवा ऐसी है जो शुगर की दवा को बढ़ने ना दे जी और उसके नुकसानात को रोक ले, शुगर को स्थिर कर दे। यूनानी दवा? यूनानी। और दवा क्या है, एक सिरका है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, एक गिलास पानी मिला के पिला दिया करिए। आपकी मम्मी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगी, आखिरी सांस तक उनको सेहत रहेगी और बहुत तंदुरुस्त रहेंगी, आपकी आपके आशीर्वाद के लिए खूब अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाएंगे। मुकेश जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। मुकेश जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरे को खांसी रहती है जी और जुकाम जाता ही नहीं। खांसी रहती है, जुकाम रहता है। उम्र कितनी है आपकी? जुकाम जाता, मेरी उम्र है 63 जी जी।
एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल 500 mg के और मोंटेयर और पता नहीं कितनी दवाइयां मैं खा गया, हार गया बिल्कुल जी। और अब जुकाम नहीं जाता बिल्कुल। और ये इसका वैद्यनाथ का सुहास उठा रस की गोलियां पूरी शीशी खत्म कर दी मैंने जी, लेकिन हल नहीं पा रहा है। मतलब जुकाम जैसे आज मैं गोली नहीं लूं तो सवेरे में बिल्कुल अधीर हो जाता हूँ, गोली लिए बगैर मुझे रहा नहीं जाता, मतलब दम हो जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। आइए जानते हैं हकीम जी से कि आपकी समस्या का हल क्या है जी। देखिए यूनानी इसी चीज को रोकती है कि आपको ये जो दवाएं लेते हैं ये दवाएं एलोपैथ में अमृत कहलाती है, यानी अगर आप एक गोली ले लें तो आपका जुकाम वहीं खुश्क हो जाता है, लेकिन कल को फिर ज़रूरत है, फिर कल को ज़रूरत है, परसों को ज़रूरत है। यूनानी ये नहीं चाहती कि आपको ज़िंदगी भर दवाएं खानी पड़े। यूनानी आपके मिजाज को चेंज करती है, यानी आपकी जो ठंडी प्रवृत्ति है उसको चेंज कर देती है। आपको चाहिए कि माजून आर केयर नाम की दवा एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं। ये भी खाते रहें, एकदम नहीं छोड़ें, ये हर महीने 20% 30% फ़ायदा करेगी। आपको संयम रखना है और वो दवाएं भी खाते रहें, 5-6 महीने लगातार खाएं, आपका मिजाज बदल जाएगा। आप ठंडे मिजाज के हैं, आप दरमियान वाले मिजाज के, यानी ना गर्म ना ठंडा, बीच वाले मिजाज के हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फेफड़े की कुव्वत बढ़ जाएगी और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस वक्त एक और कॉलर है, प्रियंका जी ने हमें कॉल किया है त्रिपुरा से। प्रियंका जी स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता जी। उम्र कितनी है आपकी? 19 जी। मोबाइल यूज़ करते होंगे आप ज़्यादा, तो दूसरी चीज़ें कहाँ याद रहती है। मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, और अगर वाकई ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज है 2 अखरोट रोज़ाना घर में तोड़ें और 10 किशमिश उसके साथ रात को खाया करें, ये आपका घरेलू नुस्खा है। दवा के तौर पर भी आप ले सकते हैं माजून अखरोट प्राश आता है, 1 चम्मच रोज़ खाया करें, आप देखेंगे कि आप ब्रिलियंट, जिन बच्चों को लोग बेवकूफ़ सा कहते हैं या याद हाफजा उनका कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता, तो वो माजून अखरोट प्राश खाएं, ब्रिलियंट कहलाने लगेंगे, ऐसा हम तसव्वुर करते हैं। और इस वक्त मुजफ्फरनगर से सफ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, सर से बात करनी है। बिल्कुल हकीम साहब आपको सुन पा रहे हैं जी। आदाब। नमस्ते सर जी। आदाब, बताइए सर। मुझे मेरे ना ये लीवर फैटी हो गया है जी। जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी है जी 40 ईयर। ठीक है, अच्छा देखिए बिल्कुल एनिमल फैट बंद कर दें। एनिमल फैट में देखिए मांस आता है, दूध भी आता है, जो मांस में है वही दूध में है, घी और मक्खन, एनिमल फैट, एनिमल से निकला हुआ कुछ भी मत लीजिए। एक तो ये लेना पड़े तो वेजिटेबल ऑयल लीजिए, वो भी कम, और छोड़ दें तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा है, तो बग़ैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। और एक दवा है आप उसे ले सकते हैं, देखिए कलौंजी आपके किचन में होती है, कलौंजी का रसायन आता है, रसायन मतलब नमक, हम आसान ज़बान में कहते हैं, ये एस्टेक कलौंजी भी कहलाता है, कलौंजी का रसायन, कलौंजी का नमक या एस्टेक कलौंजी, ये आप 100 ग्राम बस खरीद लें और 1 या 2 चुटकी पानी में मिला के रोज़ाना पी लिया करें, आपका लीवर, आपका मैदा, आपकी आंतें, आपकी किडनी, आपका बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जब लीवर फैटी होता है ना बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लीवर या उससे होने वाली समस्याओं का अच्छा इलाज है ये, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है।
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कामरा देवी जी जुड़ गई हैं, पंजाब से हमें कॉल किया है। स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। खुजली है जी, प्रश्न दोहरा दीजिए अपना। शरीर पे खुजली है जी, खाज है जी। खाज है जी, ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र है जी 65 साल जी, 65। और कितने लंबे अरसे से ये समस्या है आपके साथ? ये पहले तो 3-4 साल हो गए थे जी, फिर दाब दी थी जी। जी हेलो जी, ये खुजली का इलाज भी बहुत आसान है, और देखिए बहुत ही आसान इलाज है, आप खुद करें इसको। देखिए एक नमक आता है, इसे कलौंजी दा नमक कहते हैं, कलौंजी जो किचन में होती है, इसका रसायन निकाल लेते हैं वैज्ञानिक। इस कलौंजी का रसायन कहिए या नमक कलौंजी कहिए या एस्टेक कलौंजी कहिए, इसको 100-200 ग्राम खरीद लें आप, और ये दो चुटकी में जितना है, इसे चुटकी कहते हैं हम लोग, पता नहीं आप समझते नहीं, दो चुटकी में जितना है एक गिलास पानी में मिलाएं, मिक्स करें और पी जाएं, दिन में एक बार या दो बार बस काफ़ी है, और यह आपकी बरसों पुरानी खुजली ठीक होना मुमकिन है।